जम्मू शहर में एजुकेशन के नाम पर सरकारी स्कूलों में क्या मजाक चल रहा है उसकी हालत आपको उदयवाला के स्कूल से पता चल जाएगी। बड़ा पानी आई उधर पानी जाओ जल्दी जाओ पानी बड़ा आई टूटी टूटी। एक तरफ ये स्कूल पूरा कल बारिश की वजह से डूब गया था और दूसरी तरफ ये सांप आपको दिख रहा होगा। तो ये टीचर्स के द्वारा वीडियो शेयर की गई हैं कि स्कूल में सांप भी निकलता है, वो आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। वो सामने आपको दिख रहा होगा कि झाड़ियों के अंदर सांप है। अब इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और ये उदयवाला का स्कूल जो है जम्मू म्युनिसिपैलिटी के लिमिट्स के अंदर आता है और यहाँ पर ये हाल है। ये देखो रास्ता, ये गेट है और दीवार ही नहीं है। ये फेंसिंग कल जब फ्लैश फ्लड जाए तो उसकी वजह से टूट चुकी है। बाउंड्री वॉल नहीं है इस पूरे स्कूल की। और एक ग्राउंड है स्कूल का जिसमें अभी कीचड़ से कीचड़ लदा हुआ है और कल तो यहाँ पानी पानी था। जो टीचर्स थी उनकी गाड़ियाँ भी बह गई। ये मुझे बताएं कि इस रास्ते से होके ये टीचर्स और बच्चे स्कूल जाएंगे कैसे? और आज सुबह से ये टीचर्स यहाँ पे, एंड ये नहीं कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि अब स्कूल की क्योंकि हालत नहीं है तो स्कूल बंद कर दिया जाए, नहीं। टीचर्स आर सेइंग उनको ऑर्डर्स ये दिए गए हैं कि जेएमसी वालों को बुला के लेबरर्स लगवा के यहाँ पे सफाई करवाई जाए। ये काम टीचर्स का है क्या? इज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल उदयवाला, ये वही जगह है जहाँ की कल की वीडियो आपको अगर मैं दिखाऊँ तो कल यहाँ पर पानी ही पानी था और आज यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है। ये टीचर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, टीचर्स से हमारी बात हो रही थी जिन्होंने बताया कि एक चीज़ ये यहाँ पे कूड़ेदान बनाया गया है, मतलब यहाँ पे डंपिंग स्पॉट बनाया गया और जेएमसी के जो गार्बेज ट्रक्स आते हैं उन्हें यहाँ पर डंप किया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये बॉयज़ हाई स्कूल है, सरकारी स्कूल है और यहाँ पर सांप निकलते हैं क्योंकि ये किस जगह पे है ये आप देख सकते हो। जैसे ये जनता आज यहाँ पर तमाशा देख रही है कि भाई स्कूल की हालत देखिए क्या हो चुकी है, उसी तरीके से कल जनता ने ही मदद की लोगों डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू की टीम्स को आने में काफी समय लग गया और जनता ने ही मदद की टीचर्स को बाहर निकालने में। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं इस समय पानी के बीच में, ये सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पहले बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला और उसके बाद अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल बंद करने के लिए गए थे ताकि जो रिकॉर्ड है वो गीला ना हो। अब जिस जगह पर ये स्कूल बनाया गया है बिल्कुल नाले के बीच में, वहाँ पर क्या पॉसिबल है कि इतना पानी आया हो और स्कूल में नुकसान ना हुआ हो? ये जो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये गाड़ियाँ भी टीचर्स की अपनी गाड़ियाँ हैं जो उनका कहना है कि बारिश हो रही थी इस वजह से हम अपनी गाड़ियाँ लेकर आए थे, लेकिन ये गाड़ियाँ भी जो है इतने पानी के बहाव की वजह से रुड़ गई।